हेलो गाइस, तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फाइनली जीएन उस जगह पर पहुंच गया था, उस स्टेडियम के बाहर पहुंच गया था जिस स्टेडियम के अंदर चारों पेविलियन की ग्रैंड मीटिंग होने वाली थी। ग्रैंड मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए जीएन ने वहीं पर बैठकर अपनी पावर रिगेन करना स्टार्ट कर दिया था एंड इसका उसे फायदा भी हुआ था। जिसके बाद फाइनली थोड़ी इंतज़ार के बाद सभी वॉरियर्स एक एक करके स्टेडियम में आना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले वाइन लाइटनिंग पेविलियन के चारों पेविलियन के हेड स्टेडियम में आते हैं एंड हमें पता चलता है वाइन लाइटनिंग पेविलियन के ईस्ट रीजन के हेड क्वार्टर के हेड का नाम लाई जुंजे है, जो एक डाउजुन लेवल का वॉरियर है। जिसके बाद वहां पर जियान जुंजे आते हैं, जो 10,000 शॉट पेविलियन से बिलोंग करते हैं और टैंकिंग के मास्टर हैं। उनके बाद वहाँ पर वांग जुंजे आते हैं, जो येलो स्प्रिंग पेविलियन से बिलोंग करते हैं एंड वैंग चैन के मास्टर हैं। येलो स्प्रिंग पेविलियन ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है। फाइनली वहाँ पर सभी के दिलों की धड़कन फैंग जुंजे आते हैं, उनके साथ उनकी डिसाइपल मू क्विंग भी थी। सभी लड़कियों की नज़र फैंग जुंजे पर टिकी हुई थी। फैंग जुंजे की एज काफ़ी ज़्यादा थी, बट पावरफुल होने की वजह से वो काफ़ी यंग दिखते थे एंड कई सारी लड़कियों ने ये तक चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था कि फैंग जुंजे तुम बस हमसे शादी कर लो, हमारे लिए ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि तुम्हारे एंड मेरे बीच में कितना एज गैप है। बट ऑब्वियसली फैंग जुंजे ने उन्हें इग्नोर ही किया था। अब आगे फैंग जुंजे लाई जुंजे के पास आ जाते हैं। वो लाई जुंजे जियांग जुंजे को अच्छी तरह से ग्रीट करते हैं, बट वांग जुंजे की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, बिकॉज उन्हें वांग जुंजे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसके बाद लाई जुंजे खड़े हो जाते हैं एंड फाइट को स्टार्ट करने का ऑर्डर देते हैं। सभी वॉरियर्स एक एक कर स्टेडियम में आ जाते हैं एंड एक दूसरे को घूरने लगते हैं। इधर स्टेडियम से बाहर जियान, जो एक पेड़ पर बैठा हुआ था, वो स्टेडियम को ध्यान से देख रहा था। अभी के लिए उसकी नज़रें बैटल फील्ड पर ही टिकी हुई थी एंड बैटल फील्ड में उसे एक ऐसा चेहरा दिखाई पड़ता है जिसके देखे जाने की उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। ये कोई और नहीं बल्कि लिनियन था, वही लिनियन जिसकी जियाना अकेडमी में जियान ने उसकी बॉडी से फायर पॉइजन निकालने में हेल्प की थी। फाइट स्टार्ट हो गई थी, सभी एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। 10 मिनट में कई सारे डाउहोंग लेवल के वॉरियर फाइट से बाहर हो गए थे। उनमें से कई सारे डाउहोंग लेवल की पीक के भी थे, बट लिनियन जो अभी भी बस एक 4-स्टार डाउहोंग था, वो स्टेडियम में बिना घायल हुए टिका हुआ था। ये बात ने जियान को काफ़ी ज़्यादा शॉक कर दिया था, बट लिनियन को ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद जियान समझ जाता है लिनियन की जो एजिलिटी टाइप डाउ टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो जरूर अर्थ लेवल की डाउ टेक्निक होगी एंड अगर उसकी पावर थोड़ी बढ़ा दी जाए तो वो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को भी टक्कर देने में सक्षम होगी। लिनियन के पास इस तरह की एजिलिटी टाइप डाउ टेक्निक देखकर जियान शॉक था। इधर अरीना में फाइट लगातार खतरनाक से खतरनाक होती जा रही थी। मिस फैंग, मू क्विंग, टैंगिंग और वैंग चैन, इन चारों ने अपने चारों तरफ एक सर्कल बना लिया था जो उनके एरिया को दर्शाता था। जो भी उस सर्कल के अंदर घुसने की कोशिश करता था, ये लोग उस पर अटैक कर देते थे एंड उसे हरा देते थे। फाइट और भी ज़्यादा खतरनाक होती जाती है एंड फाइनली आधे घंटे बाद अरीना में बस कुछ ही लोग बचते हैं जो गिने चुने रह गए थे। अभी के लिए अरीना में बस 11 लोग ही बचे हुए थे एंड शॉकिंगली लिनियन भी उनमें से ही एक था। अभी के लिए अरीना का माहौल एकदम शांत हो गया था, सभी लोग एक दूसरे को ही देख रहे थे। अभी के लिए अरीना में जो सबसे कमज़ोर वॉरियर बचा था वो कोई और नहीं बल्कि लिनियन ही था। वो ही अकेला एक ऐसा वॉरियर था जो 4-स्टार डाउहोंग होने के बाद टॉप 11 में आने में कामयाब रहा था एंड ये सब उसकी एजिलिटी टाइप डाउ टेक्निक की वजह से ही हुआ था। मिस फैंग, टैंगिंग, वैंग चैन और मू क्विंग के अलावा अभी के लिए अरीना में 2-3 डाउहोंग लेवल की पिक के वॉरियर और थे एंड बाकी सभी 7 या 8-स्टार डाउहोंग थे। सभी अभी के लिए एक दूसरे को देख रहे थे एंड लगभग आधे से ज़्यादा लोगों की नज़र लिनियन पर टिकी हुई थी। ये देखकर जियान को अब लिनियन की चिंता होने लगी थी।
रियन जानता था लिनियन ने उसकी मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के साथ हुई फाइट में कितनी बड़ी हेल्प की थी। इसलिए रियन डिसाइड करता है अगर जरूरत पड़ी तो वो इस ग्रैंड मीटिंग के रूल को भी तोड़ देगा, बट जरूरत पड़ने पर लिनियन की मदद जरूर करेगा, बिकॉज रियन एहसान फरामोश नहीं था। इधर लिनियन का लक जो काफी टाइम से उसके साथ था, शायद अब उसने लिनियन का साथ छोड़ दिया था, बिकॉज लाल कपड़े पहने एक 8-स्टार डाउहोंग लिनियन की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो बहुत तेजी से लिनियन की तरफ आगे बढ़ रहा था। ये देखकर लिनियन भागने लगता है। 8-स्टार डाउहोंग लिनियन पर अटैक कर देता है, बट लिनियन अटैक को डॉज कर देता है, लेकिन तभी वो घूम जाता है एंड लिनियन पर अपने ब्लेड से अटैक कर देता है। ये देखकर लिनियन अपने वेपन से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद वो काफ़ी पीछे चला जाता है। लिनियन अब अपने एजिलिटी टाइप डाउ टेक्निक का यूज़ करता है एंड तेजी से भागने लगता है। इधर वो वॉरियर भी लिनियन का पीछा करने लगता है। ये देखकर जियान, जो कुछ टाइम पहले सिल्वर कलर के पेड़ पर बैठा हुआ था, वो उठ खड़ा होता है एंड बीटल फील्ड को ध्यान से देखने लगता है। उसने डिसाइड कर लिया था अगर कोई भी घटना घटती है तो वो सीधा बैटल फील्ड में चला जाएगा एंड जाकर लिनियन की मदद करेगा। वो लिनियन की मदद के लिए जाने ही वाला था, तभी वो देखता है कि वो 8-स्टार डाउहोंग जो लिनियन का पीछा कर रहा था, उसे लिनियन पर अटैक करने के कई सारे मौके मिले थे, बट उसने लिनियन पर अटैक नहीं किया था। ये देखकर जियान शॉक था। वो ध्यान से बैटल फील्ड को ऑब्जर्व करने लगता है एंड कुछ ही देर में उसके समझ में आ जाता है वो 8-स्टार डाउहोंग लिनियन पर अटैक कर अपनी पावर वेस्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो भी जानता है वो लिनियन को अपने एक दो अटैक में नहीं हरा पाएगा। इसलिए वो लिनियन को भड़का कर वैंग चैन की डायरेक्शन में ले जा रहा है एंड लिनियन अनजाने में वैंग चैन के एरिया की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इससे पहले कि जियान कुछ कर पाता, लिनियन पहले ही वैंग चैन के एरिया में एंटर कर चुका था। ये देखकर उस 8-स्टार डाउहोंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो एक इविल स्माइल देता है एंड वहाँ से भाग जाता है। लिनियन भी समझ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो तुरंत कहता है, मैं अपनी हार मानता हूँ। लेकिन ये सुनकर भी वैंग चैन, जो खून का प्यासा था, वो नहीं रुकता है। वो लिनियन पर एक एनर्जी पिलर से अटैक कर देता है। लिनियन अपनी एजिलिटी टाइप डाउ टेक्निक का यूज कर अटैक को डोज करने की कोशिश करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता है एंड वो अटैक सीधा उसके कंधे से टकराता है एंड उसके पूरे कंधे को घायल कर देता है। उसकी बॉडी से तेजी से खून बाहर आने लगता है। लेकिन तभी वैंग चैन दूसरा अटैक भी लिनियन की तरफ लॉन्च कर देता है एंड वो दूसरा अटैक भी सीधा जाकर लिनियन को लगता है, जिससे अब वो तेजी से खून की उल्टियां करने लगता है। लिनियन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वैंग चैन एंड उसकी पावर में बहुत बड़ा गैप था एंड इसी वजह से वैंग चैन के बस दो अटैक ने ही उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। इधर स्टेडियम में मौजूद हर इंसान वैंग चैन से नफरत करने लगा था, बिकॉज लिनियन ने पहले ही हार मान ली थी, बट फिर भी वैंग चैन नहीं रुका था। उल्टा उसने तो लिनियन पर अटैक कर उसे घायल कर दिया था। लेकिन तभी अचानक से वैंग चैन के फेस पर एक ईविल स्माइल आ जाती है। अचानक से उसके हाथ में दो ब्लेड आ जाते हैं जो देखने में डैगर जैसे थे एंड अब वैंग चैन लाइटनिंग स्पीड के साथ उन ब्लेड से लिनियन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। एंड इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो लिनियन के काफ़ी करीब पहुंच जाता है। ये देखकर सभी लोगों को वैंग चैन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था, बिकॉज अगर वो लोग ऐसा भी मान लेते कि पहले के दो अटैक वैंग चैन से गलती से लॉन्च हो गए थे, तो ये तीसरा अटैक तो गलती से लॉन्च नहीं हो सकता था। वैंग चैन ने येलो स्प्रिंग पेविलियन को आज काफ़ी ज़्यादा बदनाम कर दिया था। लोगों के शोरगुल को सुनकर वैंग चैन के फेस पर जो स्माइल आई थी वो गायब हो गई थी, बट वैंग चैन नहीं रुका था। इधर वैंग चैन को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख लिनियन अटैक को डॉज करने की कोशिश नहीं करता है, बस अपने मन में एक सवाल करता है कि आज मैं मरने वाला हूँ। लेकिन इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड अपने मरने का इंतज़ार करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक बहुत ही पावरफुल सक्शन फोर्स आती है जो उसे पीछे खींच लेती है। अचानक से उसे अपने कंधे पर एक हाथ का स्पर्श फील होता है एंड एक आवाज़ सुनाई देती है, क्या यहाँ पर आकर
अपनी जान खतरे में डालने के अलावा तुम्हें कोई दूसरा अच्छा काम नहीं मिला था। ये आवाज लिनियन को कुछ जानी पहचानी लगती है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहां पर जियान दिखाई पड़ता है। जियान को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम सेंट्रल प्लान में क्यों आए हो? तो जियान कहता है, अभी ये वक्त बातें करने का नहीं है। ये कहकर वो थोड़ा आगे चला जाता है। इधर सभी लोग अभी के लिए बैटल फील्ड में ही देख रहे थे एंड जियान को अचानक से वहां पर आया देख सभी लोग सतर्क हो गए थे। तभी वाइन लाइटनिंग पेविलियन के कई सारे एक्सपर्ट आसमान में आ जाते हैं एंड एक एक्सपर्ट कहता है, लड़के तुम कॉम्पिटिशन में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते ये रूल के अगेंस्ट है एंड ऐसा कर तुम वाइन लाइटनिंग पेविलियन के दुश्मन बन जाओगे। तो जियान कहता है, मैंने जो भी किया है वो सही किया है, गलत तो वैंग चैन ने किया है। इस लड़के ने हार मान ली थी फिर भी वैंग चैन ने उस पर अटैक किया, क्या ये रूल्स के अगेंस्ट नहीं है? जियान की बात बिल्कुल सही थी एंड वाइन लाइटनिंग पेविलियन के सभी एक्सपर्ट भी ये बात जानते थे। बट अभी के लिए वहां पर वांग जुनजे मौजूद थे एंड वैंग चैन उनका ही डिसाइपल था। वो सभी जानते थे वांग जुनजे कितने ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए कोई भी गलती से भी वैंग चैन को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन जियान कहाँ चुप बैठने वाला था। वो कहता है, आप लोगों को अगर पनिशमेंट देनी है तो वैंग चैन को दो। तभी वैंग चैन कहता है, ये लोग मुझे क्या पनिशमेंट देंगे, मैंने जो भी किया है वो गलत नहीं है। ये लड़का अपने लक के दम पर यहाँ तक पहुंचा है, तो अगर मैं इसे मार भी दूं तो क्या किसी को कोई फर्क पड़ेगा? एंड जहाँ तक मुझे लगता है ऐसे वॉरियर जो अपने लक पर ही डिपेंडेंट रहते हैं उन्हें मर जाना चाहिए। ये बात सुनते ही लिनियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बिकॉज भले ही वो यहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर में सबसे ज़्यादा कमज़ोर था, बट वो यहाँ तक अपने लक के दम पर नहीं बल्कि अपनी पावर अपने एजिलिटी टाइप डाउ टेक्निक के दम पर पहुंचा था एंड वो अपने इस तरह की इंसल्ट बिल्कुल भी सह नहीं सकता था। घायल होने के बावजूद लिनियन आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर जियान उसे रोक लेता है एंड कहता है, इस सिचुएशन को मैं हैंडल करता हूँ। जिसके बाद जियान आगे आ जाता है एंड कहता है, हर साल तुम्हारा येलो स्प्रिंग पेविलियन लास्ट इसीलिए आता है क्योंकि तुम्हें अपनी पावर पर बहुत ज़्यादा घमंड है। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, लड़के तुम अपने मास्टर को बुलाओ, मैं अभी आकर देखना चाहता हूँ ऐसा कौन सा पर्सन है जिसने इतने एरोगेंट डिसाइपल को टीच किया है। ये आवाज़ वांग जुनजे की थी। फाइनली उसने भी इस फाइट में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था। ये देखकर जियान शॉक था कि यंग जनरेशन की फाइट में वांग जुनजे जैसा एक डाउजुन लेवल का वॉरियर इंटरफेयर कर रहा है। इधर वांग जुनजे भले एक डाउजुन लेवल का वॉरियर था बट फिर भी पता नहीं क्यों उसे जियान की बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल फीलिंग आ रही थी जो उसे काफ़ी ज़्यादा डरा रही थी। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का पूरी तरह से यूज़ करने के बावजूद वो ये पता नहीं लगा पा रहा था कि जियान आखिर किस लेवल का वॉरियर है। बट अपने एक्सपीरियंस एंड जियान की डोइक्वी की पावर को देखकर वो इतना ज़रूर बता सकता था कि जियान अभी के लिए एक डाउजुन लेवल का वॉरियर तो नहीं है, इसलिए उसने बीच में बोलने की हिम्मत की थी। वहीं लाई जुनजे और जियान जुनजे भी जियान की पावर का अंदाज़ा लगाने में असक्षम रहे थे। डाउजोंग लेवल का वॉरियर बनने के बाद जियान की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी कि एक डाउजुन लेवल का वॉरियर भी काफ़ी मुश्किलों के बाद ही उसकी रियल पावर के बारे में पता लगा सकता था। इधर जियान मुड़कर वांग जुनजे की तरफ देखता है एंड कहता है, ओल्ड सर आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस फाइट में आकर गलती किसकी है, आप स्टार्टिंग से इस फाइट को देख रहे हैं। इस फाइट को ध्यान से देखने की वजह से आप ये समझ गए होंगे कि मेरे फ्रेंड ने पहले ही फाइट में हार मान ली थी बट फिर भी आपके डिसाइपल ने मेरे फ्रेंड पर अटैक कर उसे मारने की कोशिश की। ये रूल्स के अगेंस्ट है एंड उसने रूल्स के अगेंस्ट कार्य किया है। जहाँ तक मुझे लगता है बाकी के तीनों ओल्ड सर ने भी ये चीज़ देखी है एंड वो अच्छी तरह से जानते हैं कि सही कौन है और गलत कौन है एंड मुझे उम्मीद है वो सही फैसला सुनाएंगे एंड सच का साथ देंगे। जियान की बात सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ जवाब देता
वांग जुन से गुस्से में कहते हैं, इस लड़के ने रूल तोड़े हैं एंड हम रूल्स के अकॉर्डिंग इस लड़के को पनिशमेंट देंगे। रूल्स के अकॉर्डिंग हम अभी के लिए वाइन लाइटनिंग पेविलियन में हैं एंड यहाँ पर हमें इस लड़के को कॉम्पिटिशन में बिना बात के इंटरफेयर करने के लिए 50 थंडरबोल्ट की पनिशमेंट देनी चाहिए। ये सुनकर जियान जुनजे कहते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं बिकॉज इसमें गलती वैंग चैन की है। अगर वैंग चैन कुछ भी रूल्स के अगेंस्ट नहीं करता तो ये लड़का इस फाइट में शायद ही इंटरफेयर करता। वैंग जुनजे कहते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है हमें इस लड़के के बजाय वैंग चैन को पनिशमेंट देनी चाहिए क्योंकि इसमें गलती उसकी ही है। तभी इलाई जुनजे कहते हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब वांग जुनजे तीनों तरफ से फंस चुके थे इसलिए आखिरी रास्ता निकालते हुए वो कहते हैं, ठीक है तो हम इस लड़के को एक मौका देंगे। इस लड़के को वैंग चैन से फाइट करनी होगी। अगर फाइट में इस लड़के ने वैंग चैन को हरा दिया तो हम इस लड़के को यहाँ से जाने देंगे एंड अगर वैंग चैन ने इसे हरा दिया तो इस लड़के को 50 थंडरबोल्ट की पनिशमेंट तो लेनी ही होगी, साथ ही साथ मेरे सामने घुटने टेक कर 10 बार माफ़ी भी मांगनी होगी। तीनों डाउजुंस कहते हैं, ठीक है हमें इस फैसले पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाई जुनजे जियान से पूछते हैं, बोलो लड़के तुम्हारा क्या सजेशन है, क्या तुम वांग जुनजे की बात मानकर वैंग चैन से फाइट करोगे। इधर ये बात सुनते ही लिनियन जियान का हाथ पकड़ लेता है एंड उससे कहता है, इन डाउजुंस की बात को इग्नोर करो एंड जल्दी से यहाँ से चलो। वैंग चैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड तुम उससे फाइट मत करना। इधर जियान ने लिनियन की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। उसकी दिल ही दिल अजीब सी कन्फ्यूजन चल रही थी। वो सोच रहा था उसे फाइट करना चाहिए या नहीं। उसका एक मन कह रहा था, हाँ तुम्हें फाइट करनी चाहिए एंड दूसरा मन कह रहा था, नहीं तुम गलती से भी फाइट मत करना। जियान अगर फाइट करता तो वो शायद अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता, बट अगर वो फाइट नहीं करता तो उसे डरपोक कहा जाता एंड उसके पास फाइट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए फाइनली कुछ देर तक सोचने के बाद जियान कहता है, मैं वैंग चैन से फाइट करने के लिए रेडी हूँ, बट शर्त याद रखना, अगर आप शर्त को भूले या उसके खिलाफ जाने की बिल्कुल भी कोशिश की तो बाकी तीनों डाउजुंस आपको पनिशमेंट देंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? ये चारों पेविलियन भले ही पेविलियंस थे बट इनमें बिल्कुल भी एकता नहीं थी। इसी चीज का जियान ने फायदा उठाया था। जियान को खुद पर भरोसा था वो वैंग चैन को हरा देगा, बट वो किसी भी हालत में वांग जुनजे को नहीं हरा सकता था। इसलिए जियान ने ऐसी बात सामने रख दी थी जिससे अगर वो वैंग चैन को हरा देता है एंड उसके बाद ये देखकर वांग जुनजे को गुस्सा भी आ जाता है तो भी वो कुछ ना कर पाए बिकॉज वांग जुनजे गलती से भी अगर इन तीनों डाउजुन से फाइट करता तो वो जरूर हार जाता एंड शायद मारा भी जाता। जियान की बात सुनकर तीनों डाउजुन्स कहते हैं, तुम चिंता मत करो, अगर अब आगे कुछ भी रूल्स के अगेंस्ट हुआ तो हम एक्शन जरूर लेंगे। ये बात सुनते ही जियान वैंग चैन की तरफ देखता है एंड उससे कहता है, आ जाओ फाइट करने। इधर लाई जुनजे उठ खड़े होते हैं एंड अनाउंस करते हैं, सभी कॉम्पिटिटर्स अभी के लिए अरीना से बाहर चले जाइए, अभी के लिए इस अननोन वॉरियर एंड वैंग चैन के बीच फाइट होगी। ये बात सुनते ही सभी लोग एक एक कर पीछे हट जाते हैं एंड फाइनली अरीना में बस जियान और वैंग चैन ही बचते हैं। इधर वांग जुनजे वैंग चैन की तरफ देखते हैं एंड कहते हैं, इस लड़के को आज जरूर हरा देना। अगर तुमने आज इस लड़के को नहीं हराया तो तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हें किस तरह की पनिशमेंट दी जाएगी और वो कितनी ज़्यादा खतरनाक होगी। ये बात सुनते ही वैंग चैन काफ़ी डर जाता है बट वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं इस कमीने को जरूर हरा दूंगा। मैं आज किसी भी हालत में वाइन लाइटनिंग पेविलियन के सामने, बाकी दोनों तीनों पेविलियन के सामने हमारे येल्लो स्प्रिंग पेविलियन की रेपुटेशन नहीं गिरने दूंगा। ये बात सुनते ही वांग जुनजे काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। वो अच्छी तरह से जानते थे वैंग चैन अगर 2 साल और ट्रेनिंग करता तो वो डाउजोंग लेवल का वॉरियर बन जाता। वो पहले ही आधा डाउजोंग लेवल का वॉरियर बन चुका था।
इसलिए उन्हें वेंगचेन पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था एंड अपने इसी कॉन्फिडेंस की वजह से वो आराम से अपनी कुर्सी से टिककर कंपटीशन को फाइट को देखने लगते हैं। इधर लिनियन जियान को काफ़ी समझाता है पर जियान पीछे हटने के लिए राजी नहीं होता है। वहीं वेंगचेन अपने दोनों डैगर्स घुमाता है एंड जियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जियान अपने हैवी जुआन रूलर शॉट को बाहर निकाल लेता है। वेंगचेन जियान पर अपने डोइक्वी से अटैक कर देता है तो जियान अपने ग्लेस फ्लेम से उसके अटैक का सामना करता है। लेकिन जियान इस फाइट को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता था इसलिए वो अपने पावरफुल अटैक्स को यूज़ करना डिसाइड करता है। जियान अपने ग्लेस फ्लेम को मूव करता है। अचानक से उसकी ग्लेस फ्लेम उसके दोनों हाथों में आ जाती है एंड जियान उससे ग्लेस फ्लेम पंच रेडी करता है। वहीं वेंगचेन शैडो स्लैश नाम की टेक्निक का यूज करता है एंड जियान की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगता है। उसके दोनों डैगर्स अभी के लिए उसकी डोइकुई से पूरी तरह से कवर्ड थे एंड काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए थे। लेकिन तभी अचानक से उसका अटैक जो जियान को लगने वाला था वो अचानक से ही खाली चला जाता है एंड वो अटैक सीधा जाकर जियान के आफ्टर इमेज से टकराता है। एंड इससे पहले कि वेंगचेन कुछ समझ पाता उस पर जियान के ग्लेस फ्लेम के लगातार 4 से 5 पंच पड़ते हैं जो उसकी हालत ख़राब कर देते हैं। वो खून की उल्टियां करने लगता है। लेकिन वेंगचेन भी कुछ कम पावरफुल नहीं था। वो अचानक से मूव होता है। उसकी पूरी बॉडी डोइक्वी से कवर्ड हो जाती है एंड अचानक से ही उसकी बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव बाहर आती है जो जियान की तरफ आगे बढ़ने लगती है। इसका नाम था नाइट शैडो लाइटनिंग स्ट्राइक जो तेजी से जियान की तरफ आगे बढ़ रही थी। ये देखकर जियान अपनी 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक का यूज करता है एंड उसके जरिए अपनी बॉडी के चारों तरफ अपने रूलर के अपनी स्वॉर्ड के कई सारे क्लोन्स बना लेता है जो उसे इस अटैक से बचा लेते हैं। तभी जियान उन सभी क्लोन्स को कंट्रोल करता है एंड उनसे एक साथ वेंगचेन पर अटैक कर देता है जिससे वेंगचेन और ज़्यादा खून की उल्टियाँ करने लगता है। लेकिन वो भी कुछ कम पावरफुल नहीं था एंड जियान ने उसे गुस्सा दिला दिया था इसलिए अपनी जान को हथेली पर रखते हुए वो अपने येलो स्प्रिंग पेविलियन की ब्लड स्केल नाम की टेक्निक का यूज़ करता है जिससे उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके पास अभी के लिए 2-स्टार डाउजोंग की पावर आ गई थी। ये देखकर अब जियान भी समझ जाता है उसके नॉर्मल अटैक्स का यूज़ करने से वो वेंगचेन को नहीं हरा पाएगा। इसलिए जियान भी अब अपनी 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक का यूज़ करता है जिससे कई सारे स्वॉर्ड क्लोन आ जाते हैं। जियान उन स्वॉर्ड क्लोन में अपनी ग्लेज फ्लेम डाल देता है जिससे स्वॉर्ड क्लोन बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं एंड जियान उन्हें वेंगचेन की तरफ लॉन्च कर देता है। एक एक कर सभी स्वॉर्ड क्लोन सीधा जाकर वेंगचेन से टकराने लगते हैं एंड वेंगचेन जो डार्क शैडो पंच का यूज़ कर पहले उन्हें रोक पा रहा था फाइनली उन्हें रोकने में नाकाम रहता है। कई सारे शैडो पंच जाकर सीधा उससे टकराते हैं एंड उसकी हालत बद से बदतर कर देते हैं। तभी जियान अपनी ग्लेस फ्लेम से एक जोरदार फिस्ट अटैक रेडी करता है एंड उससे वेंगचेन की तरफ स्ट्राइक कर देता है जिससे वेंगचेन जिसके अंदर पहले थोड़ी बहुत पावर बची भी थी उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है एंड वो फाइनली हारने की कगार पर आ जाता है। वेंगचेन की इतनी बुरी हालत देखकर वांग जुनजे को गुस्सा आता है। वो वेंगचेन की हेल्प के लिए जाने लगते हैं लेकिन तभी वांग जुनजे उन्हें रोक लेते हैं एंड कहते हैं अगर आपने इस फाइट में इंटरफेयर किया तो मैं भी फिर आपसे फाइट करने से पहले एक पल के लिए नहीं सोचूंगा। ये बात सुनकर उन्हें रुकना पड़ता है एंड वेंगचेन की ऐसी हालत देखनी पड़ती है। इधर जियान अभी भी नहीं रुका था। उसे वेंगचेन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इसलिए वो तुरंत ही अपने ग्लेस फ्लेम से एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है एंड उससे वेंगचेन पर अटैक कर देता है जिससे वेंगचेन जिसमें फाइट करने की थोड़ी बहुत हिम्मत बची भी हुई थी वो अब हार जाता है एंड अपनी हारी हुई शक्ल के साथ वहीं पड़ा रहता है। लेकिन जियान से फाइट करते वक्त वेंगचेन को कुछ पता चल गया था। जियान चारों डाउजोन से कहता है मैंने वेंगचेन को हरा दिया है एंड अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने वाला था तभी वेंगचेन एक ऐसा खुलासा करता है जो सभी को शॉक कर देता है। वेंगचेन जियान की तरफ ध्यान से देखते हुए कहता है मैं जानता हूँ तुम कौन हो
तुम जियान हो जिसने वाइन लाइटनिंग पेविलियन की काफी ज्यादा इंसल्ट की थी एंड जिसकी वजह से वाइन लाइटनिंग पेविलियन को काफी ज्यादा अपमान सहना पड़ा था। तो गाइज आपको क्या लगता है इस खुलासे के बाद वाइन लाइटनिंग पेविलियन का है गाइज उनसे क्या एक्शन लेगा, कमेंट कर जरूर बताना। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।